हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आकाशम, आप देख रहे हो निगम फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी हो रही है मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं अभी। आज है 28 तारीख, आज है फाइनल डे फाइनल एग्जाम का। तो अभी नहा धो के रेडी हुए हैं जाने के लिए। आज ही मुझे चेकआउट करना है और आज ही मुझे सर्वर सबमिट करना है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है वाराणसी की, जो कि वाया चेन्नई होके जाएगी। तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है। और अभी कल एग्ज़ाम, आज मतलब सॉरी एग्ज़ाम है, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। एग्ज़ाम के दिन ही के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर, और आज इसी का थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा टेंशन है। अब जल्दी जल्दी पर ये भी ख़त्म हो जाएगा अच्छे से ही, क्योंकि मैं अब निकल रहा हूँ सेंटर के लिए और सारे काम डन हो गए हैं। पैकिंग अभी करनी है, वापस आएंगे तब ये सब पैक करेंगे। सब इधर फैला हुआ है, और रात में जो लाए थे उसको थोड़ा सा खा लिए, क्योंकि जान रहे हैं कि सेंटर पे आज भी नहीं मिलने वाला है कुछ। तो चलते हैं, निकलते हैं, फिर आगे बातें करते हैं आपसे। रात की बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, और अभी इसीलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। अभी 7 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, पहुँचना 8 बजे है और 10 मिनट ही लगता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट मैं पहले इसलिए निकल रहा हूँ ताकि कोई डिले मेरी तरफ से ना हो। बस अब बस की वेट करनी है और जल्दी से पहुँचना है। आज बहुत सारे काम है, एंट्री कराना है, कैंडिडेट्स मिलना, बायोमेट्रिक कराना, क्या क्या काम है। चलिए, सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, सब हो जाएगा अच्छे से। अब बस का वेट करना है 15 मिनट। 1 मिनट के अंदर ही बस आ गई, कहीं भी बैठ जाओ यार। आज चाय थोड़ा दूसरी जगह पिया, और साथ में मैंने ले लिया ये चिप्स, ये है केले का चिप्स, पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे इसको, मैंने इशारे से ले लिया। 25 रुपये का 100 ग्राम मिला है मुझे, और इसके साथ मैंने क्या लिया है दिखाता हूँ। जहाँ मैं चल रहा हूँ इस समय, और इसके साथ मैं लिया हूँ कुछ मिंटोस, जो दिमाग की बत्ती जलाएगा, आज बहुत ज़्यादा काम है। तो इसको खाते हुए चलते हैं, आज सुबह सुबह है लग रहा है, इसलिए कोई इस रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, मतलब कि बाइक्स और स्कूटी, जिससे आज मैं लिफ्ट ले लूँ। आज और सुबह आया हूँ तो फ्रेश हूँ, मज़ा है, बढ़िया है। टेंशन है थोड़ा सा आज एग्ज़ाम को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहली बार इतना अकेला हूँ ना, और ऐसी जगह है जहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा नहीं, पर सब बढ़िया होगा पता है मुझे। पहला शिफ्ट एग्ज़ाम है 11 बजे से 12:30, और दूसरा है 3 से 4:30, तो इतना टाइम काम है। यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है, रात में तो ऐसी बारिश हो रही थी कि लग रहा कि सुबह तक बाढ़ आ जाएगा यहाँ पे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए पूरी की पूरी हरियाली है। फाइनली आज कोई लिफ्ट नहीं मिली और पैदल ही हम आए, और वो पहाड़ चढ़ के आए, वो देख रहे हैं आप गेट, ये रहा वो गेट से हम ऊपर आए हैं पहाड़ों पे, और अभी भी पीछे जाने हैं, फिर इसके बाद उसके पीछे है, मतलब बहुत दूर डिस्टेंस पे है अपना सेंटर। बस मज़ा ये है कि नई जगह है, ये देखिए पहाड़, और मौसम भी देख रहे हैं बढ़िया लग रहा है, हल्की सी धूप निकल गई है, बारिश हुई थी, बस बढ़िया है सब। अब चले अपने ब्लॉक में जो IT ब्लॉक है, अब वहाँ पर देखते हैं कुछ काम, बढ़िया से एग्ज़ाम हो जाए तो दिक्कत ख़त्म हो जाए। A few moments later. तो अभी बज रहे हैं 12 और फर्स्ट स्लॉट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो वही बैठे थे जैसा पर सोचे थे, उससे बढ़िया ही हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आई बट बहुत थोड़ा सा आई, जितना कि आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अब यही सर्वर रूम में बैठे हुए हैं आराम से, और यहाँ से देख सकते हैं आप बारिश का आनंद ले रहे हैं। ये रहा अपना सेंटर के बाहर के नज़ारे, मौसम एकदम तगड़ा बना हुआ है। बस आज ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा मेहनत है ना कि वीडियो बनाने का ज़्यादा कुछ मन नहीं है, बट
सोचे अपडेट करते रहें। फाइनली 6 बजे एग्जाम खत्म करके अखिल के साथ निकल रहे हैं घर की ओर और चल रहे हैं सर्वर सबमिट करने, और बहुत अच्छा एग्जाम दिया, मजा आया ना मेरे साथ वर्क करके, अच्छा लगा ना? ओके बस अब 2 किलोमीटर बस और साथ है, फिर निकलते हैं घर की ओर। कम समय लगाया हूँ और ये दोनों पैक कर लिया हूँ क्योंकि मुझे पहुँचना है पेरम्बूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये सर्वर नहीं दिया तो बंदे को करीब 2000 का नुकसान हो जाएगा। कारण क्या है कि उसका आज ही ट्रेन है और 8:30 बजे और अभी बज रहा है 7:00 कुछ, मुझे उसको पहुँचाना है, फिर उसके बाद वो भी पहुँचेगा, देखते हैं फिर बाद में बात करते हैं आपसे। तेरे को कुटला का बगा नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है।